चंदा जी, रसोई 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने किचन में मटर पुलाव बना रही हूँ। देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। इसके लिए मैं कुकर में रिफाइंड डाल दी हूँ और ये मैं मसाला ली हूँ, एक तेज पत्ता, एक दालचीनी, दो छोटी इलायची, लौंग, शहजीरा और बड़ी इलायची। अब मैं इसमें दो प्याज कटी डाल दे रही हूँ। एक कटी हरी मिर्च, प्याज हमारा भून रहा है। मैं दो आलू को, बॉयल आलू को कट कर दी हूँ, इसे भी डाल दी। इससे बहुत अच्छा जो पुलाव का जो टेस्ट है और टेक्सचर है वो बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें थोड़ी सी अदरक और लहसुन भी डाल देती हूँ, इसे भी मैं भून दे रही हूँ। आलू भी हमारा फ्राई हो रहा है और अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। थोड़ी सी धनिया पाउडर, ये हमारे पास एक कटोरी मटर है, ये मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो करके इसे डालूंगी। ये हमारे पास दो टमाटर है कटी हुई, ये भी डाल देती हूँ। अब मैं ये एक बाउल में चावल ली हूँ, उसमें मैं थोड़ी सी घी लगा देती हूँ। देखिए घी लगा के डालने से आपका जो पुलाव है वो बहुत खिला खिला बनता है और बिल्कुल लगेगा पॉलिश, बहुत अच्छा आएगा। और इसमें मैं नींबू आधा भी छोड़ दी हूँ। देखिए अब मैं इसे भी डाल देती हूँ। ये बड़ी कटोरी से मैं एक बाउल चावल ली हूँ, थोड़ी सी मैं इसमें पुदीना और थोड़ी सी धनिया, इससे भी टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब मैं इसमें ये गर्म पानी कर देती हूँ, गर्म पानी करके डालती हूँ। ये डेढ़ कटोरी पानी, चावल वाली कटोरी से मैंने डेढ़ कटोरी पानी ली, इसे भी मैं डाल दी। थोड़ी सी नमक मैं और डाल देती हूँ।
इसलिए मैं इसमें पीसी हुई गरम मसाला, ये भी मैं होममेड रखती हूँ, होममेड गरम मसाला मैं डाल दी इसमें। ये देखिए अब मैं इसमें एक प्रेशर दूंगी, थोड़ी सी मैं इसमें हल्की रेड कलर भी डाल दी, इससे भी अच्छा हो जाता है कलर इसका, और मैं इसे लॉक कर देती हूँ। इधर थोड़े से घी में काजू को फ्राई करके थोड़ी सी काजू को मैं भून रही हूँ। प्याज भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ, ऊपर से इसे डेकोरेट करूंगी। मैं कम कर दी हूँ वरना काजू हमारा जल जाएगा। फ्रेंड आप जब भी पुलाव बनाए तो उसमें आधा नींबू का रस जरूर डालें, इससे आपका पुलाव खिला खिला बनेगा। और उसके बाद चावल में थोड़ी सी बटर या शुद्ध घी लगा दें, बहुत मस्त पुलाव बनता है। हमारा काजू भी भून चुका है, आपको दिखा रही हूँ, देखिए मेरा पुलाव कितना अच्छा बना है। पानी दुगना मत डालें, जैसे एक कटोरी चावल अगर आप लेते हो उसमें आप डेढ़ कटोरी पानी डालें, तभी आपका पुलाव अच्छा बनेगा। थोड़ी सी मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखिए हमारा पुलाव कितना अच्छा बना है, थोड़ी सी मैं इसे और पका दे रही हूँ और मैं इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको।
अब मैं ऊपर से इसमें देखिए हमारा पुलाव कितना मस्त बना है, आप देख सकते हैं। आप इस तरह से पुलाव बनाएं मेरे अकॉर्डिंग और बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस प्लीज़ 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 दबाएं और कमेंट ज़रूर दें कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।